अपने भाई की शादी है, 2-3 दिन रह गए, अभी तक तूने सूट ही नहीं सिलवाया। उसामा भाई तुम खुद दूल्हे होके बड़ी बड़ी सजा रहे हो, क्या है ये? जो मेन आइटम होता है बड़ी बड़ी में वो सूट वोट वो सब का है, वो सब अभी रखा है। ओ भाई उसामा पैसे देने जा रहे हो। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग करने, कुछ रह गई थी भाई की शादी की। सो बिलाल होगा मेरे साथ, बिलाल कज़न है मेरा, वो मेरे साथ होगा क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहा है, मैं उसको जाने नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरे साथ चलियो, सही से सलालतें दे रहा है, आज फुल टाइम गुस्से में बोल रहा है भाई बहुत कम दिन रहेगा, एक हफ्ता रह गया तो आज तो जाना है हर हाल में। और मैंने कोई बोला आज चलेंगे चलेंगे, तो आज मैंने कहा चलो यार वहाँ का सीन बनाते हैं और ब्लॉग भी करेंगे। सो चलो मेरे साथ। हाँ तो भाई नीचे आ गया हूँ बिलाल, चल भाई आ गया तू? हाँ जल्दी आ गया यार, अभी चल मोबाइल ऊपर चलना है, बहुत लेट हो गया यार, काफी देर से इंतजार करवाया था तुम्हें। चल भाई बिलाल भाई फुल तपे में, बिलाल भाई इतना क्या मतलब मोबाइल क्यों रखो, मोबाइल ऑन रहेगा ये टेंशन भाई। एक हफ्ते से इसके भाई की शादी है यार, इतना लेट नहीं होता, अभी 7 दिन रह गए, अभी सूट वूट भी नहीं लेगा वो बंदा, ऑर्डर भी नहीं लेगा, जल्दी चलो भाई। इसकी बात में वजन है, चलते हैं, सही कह रहा है, बिल्कुल लेट तो होगा, मेरी गलती है भाई, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, निकलते हैं अभी सीधा, चलो भाई। तो व्यूअर्स पहुंच गए सदर कोऑपरेटिव और बिलाल भाई का गुस्सा अभी तक थोड़ा ठंडा हो गया। अजीब आदमी है यार अभी तक, अजीब आदमी क्योंकि हलवे में मिर्ची मिला के खाता हूँ क्या मैं? नहीं भाई अभी तारीखें आ गई है यार, अपने भाई की शादी है, 2-3 दिन रह गए, अभी तक तूने सूट ही नहीं सिलवाया। हाँ तो चल रहे ना, कोई टेंशन थोड़ी है, चल रहे, मसला नहीं है, चलो सीधा चलो आगे। तो भाई पहुंच गए थे शॉप पर और बिलाल भाई कोई मंजन दे रहे भाई को। बिलाल भाई क्या बता रहे थे, पेंट कोट किस तरह बनाने, क्या कह रहे हो? नहीं भाई बट बोल रहा हूँ लूर ना हो, फिट हो, फिट हो मतलब फुल, मतलब सब बच्चों की नजर तुम्हारे पर हो, तुम ये चाह रहे हो, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं भाई, ये जो चाह रहा है ना मतलब फुल पप्पू हटके नजर आए, बिल्कुल हटके, क्या चड्डी बनियान बनवा दे तुम्हारे नहीं, लिए नहीं, नहीं, नहीं भाई कोट पेंट, कोट पेंट सही है सही है, चड्डी बनियान में हटके नजर आता ना। तो भाई ऑर्डर वॉर्डर दे दिया था हमने, बिल्कुल साइज वाइज दे दिया है कि भाई लोग हमारा काम करेंगे, जानने वाले ही है हमारे, तो इसलिए टेंशन नहीं, जब भी मैं बोल रहा था टेंशन नहीं है इसको, चलेंगे चलेंगे, मसला नहीं है, 2 दिन पहले भी होता ना, 2 दिन पहले भी साइज देते तो बना देते, बना देते ना तुम भाई, बना रहे थे बिल्कुल, देख रहे हो भाई तुम जो इतना हाइपर हो रहे थे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अच्छा लॉक लग गया, समझ जाओ भाई अब। A few moments later. तो भाई कोऑपरेटिव मार्केट से निकल गए थे, रिलैक्स हो गए, ऑर्डर वॉर्डर दे दिया सूट का, उससे ज्यादा बिलाल भी रिलैक्स है, है भाई बिलाल भाई ठंडे हो गए अब तुम्हें? शुक्र है भाई, अब तो ऑर्डर वॉर्डर दे दिया थोड़ा सा, अब थोड़ा फील कर रहा हूं मैं। आप जान छुट गई, बस अब ठंडे हो, और ज्यादा ठंडे हो जाओ, दूध की बोतल पी लो, ठंडा ठंडा पी लो, टोपियां करा रहे थे यार, जान छुट गए, अच्छा हो गया ऑर्डर लेके आ गए, सही है भाई ठंडे हो गए। हाँ तो भाई घर पर आ गए और घर पर आते के साथ ही मैं शॉप पर बैठ गया हूँ, घर भी नहीं गया अभी, शॉप पे बैठ गया डायरेक्ट, क्योंकि काम चल रहा है और काम पर यहाँ कुछ था भी नहीं, सारे मसरूफियात में लगे हैं अपनी अपनी। और वहाँ पर हम लोग बहुत सारी दुकानों पे गए, वहाँ पे शॉपिंग की, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर शोर बहुत था। सो अभी यहाँ पर आ गया, अभी काम वगैरह चल रहा है और अभी काम पर है, सो लेट्स सी क्या होता है, देखते रहना बने रहना ब्लॉग में। क्या हो गया कासिम, इतना उदास क्यों है, जड़ावा चमन लग रहा है? हाँ मैं समझ गया था, तेरी तबीयत जो है ना 19-20 है, 19-20 से ज्यादा, ये कोई 18-20 है, 18-20 है, 19-20 कम नहीं। दवाई वाई लेकर आया? दवाई तो लेके आया हूँ मगर ये बिल्कुल मेरे हालत सही नहीं होते, सोच रहा हूँ खाऊं नहीं खाऊं, अब मजबूरी है। तो बच्चा है क्या तू, डर रहा है टैबलेट्स खाने में? पानी में डाल के आटा बना के ऐसे पी जाऊं, ऐसे गोल के, गोल के, गोल के, ऐसे अलग से नहीं होते यार। वाह उस्ताद क्या चायियां पी रहे हो यार, तुम लोगों के खातिर घर में बनाना पड़ लेके आना पड़ रही चाय, क्या करे यार, क्या हो गया? तो चाय तुम्हारे हेल्पर ही नहीं है, आटे में पूरा नहा रहे हो तुम, आटा गूंथते गूंथते खुद गूंथ गए क्या? कढ़ाई में गिर गया था ना भैया, कढ़ाई में गिर गया, ये पूरा झाड़ा तो आटा ही आटा होता है, अबे तुम घर जाके झाड़ते होगे, आटा ही आटा निकलता होगा तुम्हारे घर, आटा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
हाँ जी पहुंच गए घर पर, और घर पे क्या सीन्स चल रहे हैं दिखाता हूँ भी आपको सब। हाँ भाई क्या चल रहा है, ये बड़ी बड़ी सजा रहे हो सामान, शादी की तैयारियां खुद कर रहे हो, क्या चल रहा है उस्मान? ये बड़ी है भाई, ये कल बड़ी जो लेके जानी है वो है। अच्छा वो है खाने वाने का आइटम है। हाँ। बेटा ये सजाने गए क्या, एक आध चॉकलेट खा रहे क्या निकाल निकाल के इसमें से? अबे ये तो खाया जा रहा है छप्पड़ में उसामा, इसको सजाने के लिए बिठाया तुम लोगों ने। बच्चे है ना, बच्चे कहाँ समझते, खाते भी रहते हैं और फिर डेकोरेट भी कर रहे हैं। ये तो उल्टा दिखा रहा है कुछ, क्या लिखा हुआ, क्या मेहंदी? अच्छा मेहंदी चमक होती है यार। उस्मान देखो कितना समझदार बच्चा है, सारे काम करवा रहा है। ये क्या उम्र, कब के है ये, क्या है मेरी कजन की शादी, ये कौन कौन लेके खड़े होंगे ये सब कसने वसने? अच्छा बच्चे, सही सही। और वो मेन आइटम का है खाने का, जो मेन खाने का बोल रहा हूँ, जो मेन आइटम होता है बरी बरी में, वो सूट वूट वो सब का है, वो सब अभी रखा है। आ गए लड़के वाले। अच्छा बम है, ओए ओए बम, क्या कल वल फटेंगे क्या? नहीं बच्चे लेके जाएंगे। उसामा भाई तुम खुद दूल्हे हो के बरी बरी सजा रहे हो। अच्छा ये बताओ मेन चीजें कहाँ है, मेन सूट जो होते हैं? मेन सूट जो है वो पैकिंग हो गई। पैकिंग हो गई कहाँ पे? देखो ये सूटकेस जो रखे हुए हैं, ये दो तीन जो रखे हुए, तो इसको भी तो खोलो ना यार, इसको भी खोलो, हम देखेंगे ना भाई। ये कल देख लेना, कल देख लेना। उस्मान क्या बारिश हो रही है जी? अबे ये क्यों लेके बैठा हुआ सामान, छतरी का क्या काम है इसमें? ये जो डेकोरेशन हुआ है ना उसके अंदर ही ऐड है ना, ये ऐड है भाई। क्या क्या पता नहीं चोचले पाले में इन्होंने लुकमान, ये सब होता है क्या? अभी ना ये लेके जाएंगे ना, बारिश होगी ऊपर से ढकने के लिए रखेंगे। क्या बोल रहा है तू? ये बच्चा है ना सबसे शरीफ है। कौन सा बच्चा? ये जो बेटा है उस्मान, लेकिन सिर्फ लोग में। यार उस्मान भाई अब दे दो, बहुत हो गया। सही है, क्या मांग रहे हो बेटा? यार बम के पैसे मांग रहा हूँ, कल आतिशबाजी करनी है भाई, कल बम आ जाएंगे। टोपी करवा रहे, पैसे निकालो, टोपी करवा रहे उससे भाई, टोपी पैसे निकालो भाई। अबे यार मुझे तेरे को कैसे कवर करूं कैमरे में यार, तू साइड हो एक मिनट, आ जा जा चल मांग। तू बेइज्जती करता है यार मेरी वीडियो में यार। कहाँ 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 सामा भाई, वहाँ भाग गए सामा भाई, तुम वहाँ से यहाँ आ गए पैसे ना देने के चक्कर में, तुम शार्ट हो गए यार, ये क्या सीन है? बहुत हो गया, अब दे दो भाई, कल प्रोग्राम है, टोपी करवा रहे, टोपी करवा रहे भाई। यार उसामा भाई देखो टाइम में भाई, उसामा सही तरह से फंस गया। उसामा दे देना यार, क्या किस चीज के लिए पैसे चाहिए? आतिशबाजी के लिए यार। उस्मान क्या ये लोग लड़ रहे हैं, दिन लड़ते हैं, मतलब पैसों के लिए जिद कर रहे हैं। आप जलाओगे अनार वनार जलाओगे? हाँ जलाने में आगे आगे होगे बेटा, अभी आप छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे से प्याले से बच्चे हो ना, अभी आप लंबा ना लेकर आएंगे भाई। 100 रुपए दे देता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, काम चल जाएगा अभी। 100 रुपए में छोटे से पटाके 5000 से भी कम, 5000 इसको तो पीछे रखो। चलो यार दे भाई, निकाल लिए भाई। उसामा पैसे देने जा रहे हो, उसामा तुम बेइज्जती नहीं करवा देना, ब्लॉग चल रहा है, बेइज्जती नहीं करवा देना। बेटा बेटा 500 की भी नोट है, रुक जाओ, 7500 रुपए। उसामा भाई, उसामा बहुत ज्यादा नहीं दे दिए तूने यार, वापिस लेगा तो नहीं? पक्की बात है, बच्चों की खुशी ऐसा ना हो ये वापिस ले ले, वापिस लेगा तो नहीं? क्या बोल रहा है? बोला व्लॉग ऑन रखी हो भाई, क्यों पता चले बाद में पैसे ले ले बच्चे दे। देखो ये लुकमान, अगर ये पैसे वापिस लेना तो मुझे बताना। ये गए, ये काम करो अभी, जगह खरीद के आओ बेटा। लुकमान के आगे पीछे रहना, ये शार्ट ना हो जाए। हाँ जी तो घर में यही सीन्स चल रहे सारे। अभी अभी मैं दुकान से आया तो मैंने देखा ये बड़ी बड़ी सजा रहे सारे घर वाले, मम्मा ये लोग भी सजा रहे थे, तो बस कुछ सीन में ले लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कुछ वजूहत होती है भाई, फैमिलीज होती है ना, तो भाई मैं उनके बीच में व्लॉग नहीं कर सकता। और बस यही चल रहे सारे सीन्स। दूल्हे राजा भाई हमारे जो खुद सजा रहे थे बड़ी, मतलब खुद नहीं सजा रहा था वो, मैंने ऐसा व्लॉग में दिखाया है, मम्मा ही सजा रही थी, लेकिन वो बस मैंने वो जिस टाइम शूट किया तो ऐसा लग रहा था खुद सजा रहे। सो इसी के साथ व्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छे लग रहे होंगे व्लॉग, लेकिन सब्सक्राइब करना है। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो, कितने लोग ऐसे वीडियो देखते हो और चले जाते हैं, यार सब्सक्राइब कर दो भाइयों, सब्सक्राइब करने में क्या चले जाता है, देख रहे हो वीडियो सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने नहीं किया उनको कह रहा हूँ, ठीक है? कोई तरीका है भीख मांगने का? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।